We're joined by Rajkumar Varka, former Punjab minister, on the phone line. Mr. Varka, do you feel the law and order situation has completely collapsed in the state of Punjab, where gangsters and criminals now have access to military grade weapons? पंजाब में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल पड़ा है और पंजाब को पंजाब की सरकार नहीं चलाती, याद रखना, ये दिल्ली में बैठे केजरीवाल चला रहे हैं, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। और जिस तरीके से आप देखो, हम बरूद के ढेर पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान अपनी हरकतें करता है, और पंजाब में जिस तरीके से लोग ड्रग के साथ मर रहे हैं, रोज कत्लोगार्द, गुंडागर्दी, गैंगस्टरवाद रोज हो रहा है, और जिस तरीके से पंजाब के आज हालात पैदा हो गए हैं और पंजाब आज दारुण सहम में डूबा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये अगर सरकार नहीं संभाल सकती पंजाब को, तो सरकार को रुखसत होना चाहिए। जी, पर आपके हिसाब से पंजाब में अगर ये जो गैंगस्टर टेरर नेक्सस है, ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। आम आदमी पार्टी का ये एलिगेशन है कि आपकी पार्टी ने, द कांग्रेस पार्टी ने इसको थ्राइव होने दिया है और अब आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही है इसको टैकल करने के लिए, आपका क्या रिएक्शन है उस पर? पहले तो एक बात सुधार लीजिए कि मैं इस वक्त बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में नहीं हूँ। जी, और आप मेरे से बीजेपी की ओर से जो है वो पूछिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए, मैं पिछले 25 साल से विधानसभा को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए थे, सिवाय जो 1980 का मामला था वह तब ये हालात थे, उसके बाद तो आज जो हालात पैदा हो रहे हैं आप समझ नहीं सकते यहाँ बैठे हुए। अगर पंजाब में आकर के पंजाब के लोगों से बात करके देखो ना, पंजाब से बाहर से लोग आने के बजाय पंजाब के लोग अब हिजरत कर रहे हैं, पंजाब को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और पंजाब जो हालात पैदा इन लोगों ने किए हैं, और मुझे डर इस बात का है कि ये अनाड़ी सरकार कहीं पंजाब को और देश को डुबो ना दे, क्योंकि ये खतरा खाली पंजाब को नहीं होता, इससे पूरे देश को खतरा होता है, क्योंकि पंजाब जो है देश का एक दिल है, अगर ये दड़ता है, ये बर्बाद होता है, यहाँ से चिंगारी शुरू होती है तो पूरे देश में जाती है, और ये यहाँ पे बहुत जरूरी है कि यहाँ की सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज अनाड़ी सरकार है, इनको कोई जानकारी नहीं है, इनको कोई पता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केजरीवाल कर रहे हैं, वहां से वो सरकार को चला रहे हैं, उनके लोग दफ्तरों में बैठे हुए हैं दिल्ली से आकर के, वो दफ्तरों के हालात को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ पैसा कमाने के अलावा और कोई काम है नहीं। जी अच्छा, अगर बीजेपी की तरफ से आपसे सवाल पूछे तो ये जो इंटायर बॉर्डर सिचुएशन है पंजाब का, जिसमें ये गन स्मगलिंग चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये तो बीएसएफ के परव्यू में आता है, ये तो सेंट्रल फोर्सेस के परव्यू में आता है, इस पे क्रैकडाउन हम कब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो सप्लाई आ रही है पाकिस्तान से, ये हैवी मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जो ये गैंगस्टर्स के हाथ में जा रहा है, ये कब खत्म होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन जो नीचे उतर रहे हैं वो ज्यूरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि ये पंजाब की बाउंड्री पे आके जो जहां पे बीएसएफ का एरिया है यहां से खत्म होता है वहां वो हरकत करते हैं, याद रखना एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हम रोज उनको पकड़ रहे हैं जो हमारे दायरे में आते हैं, हम रोज बीएसएफ रोज उनके ऊपर अटैक कर रही है, रोज उनको पकड़ रही है, इसमें कोई हम लोग समझौता नहीं करते, लेकिन हालात जो इंटरनल है, इंटरनल स्टेट का जो मैटर है, इंटरनल स्टेट के मैटर पे खाली यही बात नहीं है, गैंगस्टर तो इनके कंट्रोल में है, इन्होंने देखना है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के कंट्रोल में है, इन्होंने देखना है, तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो सारी बिगड़ी पड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां हालात ठीक नहीं है, खराब है। जी, थैंक यू मिस्टर वर्का फॉर गिविंग अस योर पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दिस एंटायर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट हैज इमर्ज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, वेयर यू कैन सी गैंगस्टर्स हैविंग एक्सेस टू मिलिट्री ग्रेड वेपन्स लाइक रॉकेट लॉन्चर्स टू टारगेट द सिक्योरिटी फोर्सेज, इन दिस केस द पंजाब पुलिस, द जिंदर